वेलकम बैक टू माई किचन। तो चलिए हम अपने किचन में आपका स्वागत एक यमी यमी डेजर्ट्स के साथ करते हैं, यानी कि ब्रेड की रसमलाई। बहुत ही अनोखी डिश है और बहुत ही यमी यमी डिश है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस रेसिपीज को बनाने के लिए मैं ली हूँ 4 से 6 ब्रेड ली हूँ मैं। आप चाहें तो 4 या 6 कुछ भी ले सकती हैं क्वांटिटी। और 1 लीटर दूध ली हूँ मैं। थोड़ी सी चीनी ली हूँ मैं, 1 बॉल चीनी। आप अपने मीठा टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकती हैं, तो चीनी आप अपने हिसाब से लीजिए। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ली हूँ मैं, काजू जिसे मैं काट ली हूँ, केशव एंड पिस्ता, इसे भी मैं बारीक के चॉप कर ली हूँ। और ये थोड़े से आलमंड्स हैं, इसे भी मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। तो चलिए हम इस रेसिपीज को बनाते हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और गैस के फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। और इस दूध को हम गाढ़ा कर लेते हैं, यानी कि 1 लीटर दूध है तो हम इसे 300 ग्राम दूध तक रखते हैं, यानी कि आधा से भी ज़्यादा इसे हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो चलिए जब तक ये गाढ़ा होता है बीच बीच में इसे चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये चिपक जाएगा। फ्रेंड्स चलिए हम गैस के फ्लेम को ऑन कर दिए हैं और इस दूध को हम उबाल लेते हैं। इतना उबालते हैं जब तक कि ये 1/4 ना बच जाए, यानी कि 1 लीटर दूध में हमें इसे लगभग इतना उबालना है कि ये 300 मिलीलीटर दूध बच जाए। और हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या है कि दूध हमारे किनारे बर्तनों के किनारे लग जाएंगे और जिससे स्वाद खराब हो जाएगा। और इसे अंदर की तरफ से इस तरह चलाएं ताकि ये बर्तन के जो तल होता है उसमें ये चिपके ना। फ्रेंड्स देखिए दूध थोड़ा सूख गया है। अब ये दूध थोड़ा थोड़ा मतलब कि गाढ़ापन लेने लगा है, गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इस सैफरन के इसको इसमें डालते हैं। और क्योंकि ये जो हमारे केसर है ना, इससे कलर बहुत अच्छा आता है हमारे रसमलाई में, तो मैं इसे यूज करती हूँ। अगर आपके पास है तो आप भी ज़रूर यूज करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए दूध लगभग हमारा आधा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं 1/2 बॉल चीनी डालूँगी, क्योंकि ये जो रसमलाई है वो हल्की जो मीठी होती है वही अच्छी ज़्यादा लगती है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें आप। और हम इसे हर एक 2 मिनट पर चलाते रहेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल देती हूँ, और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं कोटिंग के लिए रखूँगी। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। आप चाहें तो और गाढ़ा कर सकती हैं, बट ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब मैं इससे और ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी, अब इतना ही रखूँगी। और अब मैं गैस के फ्लेम को बंद करती हूँ और इसे हम ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। ब्रेड को हम कट कर लेते हैं, यानी कि इसे आप ग्लास से या फिर आपके पास और भी कोई साइज है किसी कटोरी वगैरह बॉल से भी काट सकती हैं। ये हम इस गिलास से इसे कट कर लेते हैं अच्छी तरह। थोड़े से एजेज अगर आते हैं ब्रेड के तो कोई बात नहीं, ये हम बाद में चाकू से काट लेंगे। तो इस तरह से हम ब्रेड के किनारों को अलग कर देते हैं। इस तरह से हम सारे ब्रेड को कट कर लेंगे। हम एक नॉन स्टिक पैन लेते हैं। वैसे तो जो रसमलाई बनती है वो बिना ब्रेड को सेके हुए बनती है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ब्रेड को थोड़ा सा हल्का सा घी डालकर इस तरह से घी लगाकर हम सारे ब्रेड को सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स इस देखिए इस तरह हम सारे ब्रेड को कट कर लिए हैं, और अब इसमें हल्का सा घी लगा के अब हम तवे पर इसे सेकेंगे। लो फ्लेम पे हम सारे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस थोड़ा ही रोस्ट करना है हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। इससे ये होगा कि हमारे ब्रेड का जो थोड़ा सा कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और हमें थोड़ा सा अलग फ्लेवर मिलेगा। हम इस ब्रेड को पलट देते हैं सारे को, बस चूँकि हमें थोड़ा ही सेकना था इसे, इस तरह से हम दोनों साइड से थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्रेड
इधर से भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा दूध जितना हमें परफेक्ट चाहिए था गाढ़ा उतना हो गया है। तो अब इसमें हम इस ब्रेड को डालेंगे। आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे लॉकडाउन की वजह से मेरे पास व्हाइट ब्रेड अवेलेबल नहीं था, तो मैं ब्राउन ब्रेड का यूज की हूँ। एक सर्विंग ट्रे लिए हैं और इसमें हम इस तरह से सारे को निकाल कर वन बाय वन सर्व कर लेंगे। और इसमें से मेरा बर्तन छोटा है, इसलिए मैं एक बार में एक डाल रही हूँ। आपके बर्तन, अगर आप बड़े बर्तन में की हैं, तो आप एक बार में दो बना सकती हैं। तो इस तरह से इसे हम इसमें डिप करेंगे दूध में, और इसे हम सर्व कर लेंगे। हम सारे को मैं सर्व कर ली हूँ, और अब इसके ऊपर से इस बचे हुए दूध को हम डाल देंगे, ताकि एकदम हमारे बाजार जैसी फीलिंग आए। लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, और खाने का मन है तो हम बनाना ही पड़ेगा। तो आप भी बनाइए, और हमारे इसी ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड के रसमलाई बनकर तैयार है। अगर इस लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकती हैं और कुछ मीठा खाने का मन है, तो आप घर पे आसानी से ब्रेड के रसमलाई बना सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। विद इन 5 to 6 मिनट्स बन जाएंगे। और आई थिंक सो कि आपको हमारी आज की ये ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दें। थैंक यू सो मच। इसे हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि हमारी ब्रेड की जो रसमलाई है, खाने का मजा दोगुना हो जाए। तो फ्रिज में रख कर मैं ठंडा कर ली हूँ, और अब इसे मैं सर्व करूँगी। तो चलिए, आपके सामने मैं इसे लेकर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाजार की तरह, और ये सच में बहुत ही यमी बना है।